अब बात करें अपन किसकी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जे और जे इक्वल। अब ये बोल दिया तो अब ये थोड़ी बोलूंगा, समझ जाओ ना जी, ये तो ये भी यही होगा, समझ गए। तो मतलब जिसका डायमीटर सेम होता है उस तरह की सेल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम कैसे होता है। आओ चलो मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे बना देंगे बीएम, मतलब क्या, नीचे हम बना दिए और बड़ा बनाऊंगा। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या बना दूं बोलो, कनेक्ट, सुंदर बना रहा था तो गंदा बन गया। देखो ये होगा हमारा एपिथीलियम। एपिथीलियम की कौन सी, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम मतलब जिसका डायमीटर सेम होता है, मतलब ये वाला इक्वल टू ये वाला, और ये तो ये भी इक्वल, ये तो ये भी इक्वल। तो इस तरह की सेल जहां प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जब भी आपका क्यूबॉइडल एपिथीलियम दिमाग में आए तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, कोई ना कोई ग्लैंड। हेलो, जब भी आपके दिमाग में क्यूबॉइडल आए तो क्या जाना चाहिए, ग्लैंड्स। क्योंकि जितनी भी ग्लैंड्स होती, चाहे वो एक्सोक्राइन हो चाहे वो एंडोक्राइन हो, क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बनी होती हैं। और सुनो, यदि ग्लैंड क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बनी है मतलब ये कुछ निकालेगा। ग्लैंड से क्या क्या होता है, कुछ ना कुछ निकलता है, या तो हार्मोन्स या तो एंजाइम्स। तो क्यूबॉइडल ग्लैंड्स का नेचर होता है एक्सक्रीट करता है, कोई ना कोई पार्ट को क्या करता है, सिक्रीट करता है। क्लियर, आ जाइए सिंगल लेयर एपिथीलियम, सबको पता है क्योंकि सिंपल एपिथीलियम का है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये भी पता है। सेल इज क्यूब शेप, मतलब क्यूबॉइडल शेप होती है, तीनों यहाँ पे आपको दिख गया। उसके बाद ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ एंड डैश डैश। इस सेल हैज द सर्कुलर न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर कैसा होता है, सर्कुलर न्यूक्लियस। मतलब स्टार्टिंग के ये जो पांच पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट तो आपको डायग्राम में दिख गया, क्लियर। उसके बाद क्या है, दिस टिश्यू इज मेनली कनेक्टेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन कंसर्न्ड विद, सॉरी, दिस टिश्यू इज मेनली कंसर्न्ड विद एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। मतलब जब भी इसका काम पूछे ना तो आप अपने दिमाग में क्या ले जाना, ग्लैंड, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर देखो क्यूबॉइडल सेल आर प्रेजेंट मेनली इन द ग्लैंड्स। मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लैंड में। आगे कर दो बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे, किसका एग्जाम्पल, आईआईटी का, किसका एग्जाम्पल, क्यूबॉइडल का। पहला है वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, तुम सबका फेवरेट। थायराइड ग्लैंड एक ऐसी सिंगल ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन्स स्टोर करके रखती है, बाकी ग्लैंड क्या होती है, खाए बनाए और निकाले। जैसे आप कुछ खाओगे, ग्लैंड उसको वो सलाइवा बनाएगी और निकालती जाएगी। आप अपने मुंह से दिन में कितना सलाइवा निकालते हो, क्या उस ग्लैंड में सलाइवा भरा रहता है, इतने छोटे से, पता है एक दिन में तुम लोग कम से कम ऐसे 2-4 लीटर सलाइवा निकाल देते होगे। कंटिन्यू मुंह में सिक्रीट होता रहता है, पेट में जाता रहता है, सिक्रीट होता रहता है, जाता रहता है। यदि वो सिक्रीट होता रहता है, पेट में ना जाओ आप, बाहर लोटे में भरते रहो। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर द ओनली ग्लैंड दैट स्टोर इट्स हार्मोन। रुक जाओ, थायरॉयड ग्लैंड बना लेते हैं, कैसी होती है, एच शेप, कैसे होती है, एच शेप होती है। इसके बीच बीच में कौन सी होती है, पैराथायरॉयड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन। आगे कर दो, एसिनी ऑफ पैंक्रियास, अक्ने होते हैं, अक्ने होते, एसिनी ऑफ पैंक्रियास। तो देखो पहले पैंक्रियास ग्लैंड क्या होती है हम वो समझेंगे। ये पैंक्रियास नहीं, यहाँ पे जो फीट होती है वो पैंक्रियास। समझ गए बेटा, ये पैंक्रियास है। इस पैंक्रियास की जो ये सेल होती हैं, सेल के अंदर ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, तो ये होता है एसिनी। क्या है,
पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड एंड हेटरोजीनस ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सिक्रीट करती है। हार्मोन के वजह से एंडो, इसकी वजह से एक्सो, इसलिए दोनों को साथ में मिक्स्ड। मैं तुम लोगों को साइड नहीं देख रहा, तो भी तुम लोग इधर देखोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं देख रही हो ना। हाँ, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ एसिनी कंपोज्ड ऑफ द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड सिक्रेटरी पैंक्रियाटिक जूस। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड नोड्यूल इज मेड अप ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। मैंने पैंक्रियाज ग्लैंड्स बनाया था, उसको बोला था, इसको हम मीठी रोटी या स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इंसुलिन क्या मेंटेन करती है, ग्लूकोज लेवल, इस वजह से। तुम ही तो हो लास्ट सहारा जिसको पकड़ पकड़ सब बताते। आइए, हेलो, सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, जैसे हो जाएगा स्वेट ग्लैंड इज द कॉइल टिबुलर, समझ गए, कॉइल टिबुलर मतलब समझ गए, कैसे हाँ हेलो, द कॉइल्ड पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द सिक्रेटरी पार्ट मेड ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम। फिर द सिक्रेटरी डक्ट ऑफ दिस ऑफ द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द लेयर क्यूबोइडल एपिथीलियम। आगे ऐसे समझ गए भैया, क्या निकालती है वो, फिर से बोलो क्या निकालेगी, पसीना की, पसीना ये सॉल्टी क्यों होता है पसीना, इधर यहाँ पे पैराटिड ग्लैंड होगी बेटा, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे जो टंग होती है तो टंग में होगी सबलिंगुअल ग्लैंड, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये मानो कि सबसे पहले सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये हो गई, फिर पैराटिड ग्लैंड ये हो गई, उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड ये हो गई, ये मैक्सिलरी मान सकते हैं, क्योंकि सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी को हम एक साथ ले लेते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाओ, फिर देखेंगे आयरिस कोरोइड सीलरी बॉडी ऑफ आई, थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले डीसीटी। फिर दिस एपिथीलियम इज ऑल्सो कॉल्ड द जर्मिनल एपिथीलियम बिकॉज द क्यूबोइडल सेल दिस एपिथीलियम डिवाइड इनटू जर्म सेल। एपिथीलियम इज द फाउंड इन टेस्टिस एंड ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। जो टेस्टिस की सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और जो ओवरी होती है, सुनिए, जब आप ये बना रहे होगे, नोट कर रहे होगे, तो ये दोनों डायग्राम जरूर बनाना। तो जो ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसके अंदर ये ऐसी एक लेयर होती है जिस लेयर को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम। एक्चुअल में ये प्रीमोर्डियल क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथीलियम होती है, क्यूबोइडल सेल होती है, और यही क्यूबोइडल सेल आगे चल के स्पर्म बनाती है। कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम अंदाजा लगा सकते हो। ओवरी की बात करें तो ओवरी के भी अंदर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम, जो कि प्रीमोर्डियल क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथीलियम भी बोल सकते हैं। ये आगे चल के एग बनाती है, ओबम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पर्म और एग यदि ना बना तो हम लोगों की स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। दोनों कौन सी होती है, क्यूबोइडल। ऐसा क्यों, क्योंकि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स भी एक ग्लैंड है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, और ओवरी भी एक ग्लैंड है। अब मैंने बोला था जहां जहां ग्लैंड होगा वहां वहां क्यूबोइडल होगा, और तुम्हारे चारों टिश्यू में क्यूबोइडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतना बता रहा हूं, क्लियर। उसके बाद व्हेन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन दी, हाँ अब इसके मॉडिफिकेशन है भैया,
जो बच्चे पहली बार कॉपी नहीं बना पाए थे अब बना लो, ज्यादा ढीठ हो गए ना तुम लोग बेटा, तो गर्मी में फिर पढ़ाऊंगा, फिर बोलूंगा बना लो। ये हम क्यूबॉइडल बना दिए। अब यदि हम क्यूबॉइडल में माइक्रोविलाई बना दिए या सीलिया बना दिए तो हम इसको बोलेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब यदि हम इसमें ना सीलिया बनाने के साथ साथ बीच में ग्लैंड भी बना दिए तो सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, यदि हमने इसमें सिर्फ ग्लैंड बना दिया तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम। तो इस तरह से जब हम क्यूबॉइडल एपिथीलियम में कुछ चेंज करते जाते हैं तो हम उसके चेंजिंग के हिसाब से नाम दे देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, व्हेन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम सो इट इज कॉल्ड सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको समझ में आ गया। सरफेस में सीलिया है तो सीलिएटेड बोलेंगे। फिर अकर इन द नेक ऑफ द नेफ्रॉन एंड इन द कलेक्टिंग कैनाल, मतलब कि नेक ऑफ नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, नहीं समझ में आया। फिर द फंक्शन ऑफ सीलिया इज कंडक्टिंग फिल्टर, कंडक्शन का काम करता है। फिर सीलियम बताए थे। When microvilli are present on the free surface cuboidal epithelium, it is called brush bordered. Cilia होगा तो ciliated, microvilli क्या होता है diameter same, याद है microvilli का diameter same था। तो ये ऐसे अपन जैसे brush नहीं होता, design दार वाला नहीं, brush एक plain वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, brush bordered epithelium। तो cuboidal के दो चीजें समझ में आ गई, सुनना, क्यूबॉइडल यदि सीलिया है तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, अब माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब ब्रश यदि माइक्रोविलाई है मतलब ये वाला कहाँ होगा, पीसीटी इंटेस्टाइन और गॉल ब्लेडर, क्यों, क्योंकि यहाँ माइक्रोविलाई है, तो जो वही एग्जाम्पल जाएगा जो माइक्रोविलाई का एग्जाम्पल था। क्लियर? ये देखो पीसीटी इंटेस्टाइन गॉल ब्लेडर।